सर एक विजुअल करें सर। आना मत संजय जी रुक जाओ, दो मिनट टैप्स ले रहे हैं। संजय थैंक यू सो मच, आपको फोटो खींचा था, भेज रहा है लेकिन मुझे सब बगल में थे। बगल में ज़ूम करें। चले? चला। चले एक मिनट। सही मिनट दे। They just wanted to like one two questions they last. Just two questions. जो भी सवाल पूछ रहा है प्लीज जल्दी पूछ लीजिए। सवाल ऐसे तो मैं घूम लगाएगा। घूम लगाएंगे भाई। घूम लगाएंगे ऐसे तो नहीं होगा सवाल। क्यों? माइक सर एक मिनट देखो। हां ला। ऑफिस में सब निकाला भाई बाहर ही ऑफिस में भाई। थैंक यू। मैं जरा चावल पहले। और जय श्री राम, जय श्री राम। जोर रुक रहा हुआ रोल बना। हाँ जी रोल है, रोल है, रोल है, रोल है। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड टू सी यू सर। थैंक यू सो मच। सर आपके तरफ से हमें कुछ नया मिलता है और इस बार भी कुछ नया मिल रहा है, क्या कुछ बताना चाहेंगे इस बार के एक्सपीरियंस के बारे में? नहीं, दर्शकों का बहुत सराहा हुआ शो है द लेजेंड ऑफ हनुमान। दो सीजन आ चुके हैं पहले और बहुत लोगों ने पूछा लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था कि कब आएगा थर्ड सीजन, कब आएगा। एंड फाइनली अब जनवरी में हम रिलीज़ कर रहे हैं और जितना प्यार आप लोगों ने दोनों सीजन को दिया है उम्मीद करता हूँ उससे ज़्यादा ही देंगे, बिकॉज इस बार और भी बड़ा और बेहतर सीज़न है और बहुत मज़ा आएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शायद हम लोगों ने कभी देखी नहीं है या शायद सुनी भी ना हो, वो भी जानकारी आपको मिलेंगी शो के अंदर और मज़ा आएगा। अगर सर बात करो कहानी की तो क्या कुछ होगा इस बार नए सीजन में? किस देखिए अभी फिलहाल आपने दो सीजन में जो देखा था वो हनुमान जी को उनकी जितनी योग्यताएं थी, जितनी उनकी ताकतें थी, उसका उनका उनका पता चलता है। जामवंत जी बताते हैं और वो उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं और अब तक श्री राम उनकी सेना लंका तक पहुँच चुकी है। अब उसके आगे कहानी इस सीजन में पर्टिकुलरली जो थर्ड सीजन है इसमें कहानी पर्टिकुलरली हनुमान जी और रावण के बीच की है, तो वो चीज़ें बहुत कम हमने सुनी भी होंगी, शायद देखी भी नहीं होंगी, शायद जानते भी नहीं होंगे। तो पूरे परिवार के लिए देखने वाली चीज़ है कि अब ये जो युद्ध है हनुमान जी और रावण के बीच वो क्या है, और रावण के जीवन की और भी छोटी 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 चीज़ें हैं जो आपको पता चलेंगी इस सीज़न में, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और जो वार्तालाप है दोनों के बीच वो बहुत ही मज़ेदार है, तो मज़ा आएगा। सर आप बाहुबली में भी अपना आवाज दिए थे, प्रभास को अभी उनकी आ रही है मूवी सलार, उसमें भी आप आवाज दिए हो, तो हम ये मतलब ये जान लें कि आप प्रभास की हिंदी आवाज बन चुके हो। ये तो आप चार बार पूछ चुके हैं, आई थिंक बाहुबली के पहले भी के बाद भी बोला था। नहीं ये देखिए डिपेंड करता है फिल्म टू फिल्म और उनकी चॉइस, अगर वो मेरी आवाज का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आई एम देयर। मजा आता है उनकी फिल्म डब करने में क्योंकि वो इतनी बड़ी बड़ी फिल्में करते हैं तो, और इतनी लार्जर देन लाइफ फिल्म है, सलार तो स्पेशली मैंने डब की है और वो बहुत बड़ी फिल्म है और बहुत अच्छी है। लोगों को लगता है सिर्फ एक्शन है, वो बहुत ही इमोशनली स्ट्रॉन्ग फिल्म है और आप जितने दोस्त साथ में देखने जाएंगे और जब थिएटर से बाहर निकलेंगे तो एक दूसरे को गले जरूर लगाएंगे। साथ ही मैं बात करूँ दो फिल्म आ रही है, एक डंकी आ रही है, एक सलार आ रही है। नहीं, 21 को डंकी देखूंगा, 22 को सलार देखूंगा। सर आपसे जानना चाहूंगा द लीजेंड ऑफ हनुमान आपके कितने करीब है दिल के? नहीं, ये कहानी हमने हमेशा बचपन से सुनी हुई है और कहीं ना कहीं दादी नानी टेलीविजन के थ्रू हमने कई बार देखा भी है। अब जब आप खुद एक पात्र उसमें प्ले करते हैं तो एक अलग एक्सपीरियंस है और बहुत कुछ जानने को मिलता है। और कहीं ना कहीं रावण के पात्र से जो मैं प्ले करता हूँ उसमें तो कहीं ना कहीं ये भी आइडिया लगता है कि और कितनी गहराइयाँ और क्या क्या चीज़ें थीं रावण के जीवन में। और एक मैसेज लोगों को मिलता है कि रावण ने जो जो गलतियाँ की वो आज की दुनिया में लोग ना करें, यही सीखने को मिलेगा। सर हर फिल्म में डायरेक्टर का एक विजन होता है एंड एज एन एक्टर आपसे जानना चाहूंगा कि आपका इसमें स्पेशली आउटपुट क्या था? देखिए बिकॉज हमारा सीरीज ऐसा है जहाँ पर डबिंग पहले हुआ है और उसके बाद एनिमेशन क्रिएट हुआ है, तो हमारे जो क्रिएटर हैं, जो राइटर्स हैं और जो डायरेक्टर हैं, शरद वेदराजन उनका नाम है, जीवन और राजीव राज जिन्होंने डायरेक्ट किया है शो,
तो वो बहुत क्लियर है, बहुत अच्छी राइटिंग है शो की। तो एज एन एक्टर मुझे ये लगता है कि मुझे जो मैंने देखा है उसको मिटा दो पहले, इस किरदार को जिसने प्ले किया है जैसे भी किया उसको पहले क्लीन करना पड़ता है, और फिर बिकॉज डबिंग पहले तो अपने हिसाब से वो कैरेक्टर करने की एक फ्रीडम होती है। तो जब फर्स्ट सीजन था तो मैंने कोशिश की और लोगों को पसंद आई, तो अब उस पर और वर्क करके जितना बेहतर कर सकता हूँ वो किया है। और कहना चाहूँगा रावण बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही लेयर्ड कैरेक्टर है जो शायद हमने इससे पहले कभी देखा नहीं है। तो मुझे तो मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो क्या सर एक आवाज सुनने मिलेगी आपकी, आवाज सुनने मिलेगी रावण को लेकर? बहुत सारी कहावतें हैं, एक एक अभी तो मुझे याद है, मैं डब किया था 6 महीने पहले, याद तो मुझे है नहीं कोई ऐसा कुछ। अगर आप बताएं, अगर एक लाइन अगर दे दे ऑडियंस के लिए तो। नहीं नहीं मतलब उसमें है जिसने मेरे पुत्र को मारा कोई आम इंसान तो हो नहीं सकता, कौन है वो? सर बस थैंक यू। सलार में आवाज निकालेंगे, निकाले हो? मैं आवाज निकालता थोड़ी ना हूं आवाज। एक डायलॉग, नहीं नहीं नहीं, सलार के बारे में कोई बात नहीं करेंगे हम लोग, फिल्म जाके देखेंगे उसके बाद बात करेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी।